नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है 1921 और ये मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1921 2018 की भारतीय थर्ड फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन विक्रम भट्ट ने अपने लॉरेंस इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले किया है, जिसमें हरीश खान और करण कुंद्रा मुख्य भूमिका में है। इसे 12 जनवरी 2018 को रिलीज किया गया था। यह 1921 की फिल्म श्रृंखला के पहले किस्त है और 1920 की फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म घोषित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने 1972 के भीड़ प्रदर्शन होने वाली इंतजार कर रही थी। मेजबानी के लिए माफ़ी मांगते हैं और मंच के पीछे जाकर गुस्से में नफीरा नामक महिला से आयुष को बुलाने के लिए कहते हैं, जिसके खून को एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और पता चलता है कि आयुष ने अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे एक धनी व्यक्ति के वॉरियर के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिष्ठा का पता चलता है, तो वह उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर के देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है हवेली के और अपने सपेर के और जाता है घर के निफरानी के अफेयर चेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए, उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाव करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसको उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं, देखता है और लेकर वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सिखाते हैं, उसे ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता, उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदरित की। एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बरियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधानते हैं अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने आयुष को जहर दे दिया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिणामस्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोड़ एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूब के मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जी 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है। वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफरिया में सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवा को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की थी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी जो राजमान अस्तित्व में हो जाती। उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नपीरा पर हमला करते हैं जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहनी वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात थी बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा से भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अंत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। उमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था जिसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष उसके शरीर के नियंत्रण
कर लेते हैं। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के बस कि वो जानती कि वो जाने की सक्षम नहीं होते हैं। फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत फैलता है। वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है जैसे उसके ठीक होने आता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिमियों के साथ आता है खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है और फिर आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जहर से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले सर को मार देते हैं। वो प्याली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसिंह को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अरुण प्याली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संतान अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बिताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया गया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया जो 14 जनवरी 2018 को जारी किया गया था जिसमें शरण के चरित्र चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है वो बिस्तर में बंदी हुई है। परी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला एक आवाज सुनती है और वो तैयार करती है तैयार कमरे के सूखती है उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली अनुष्का को डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लाम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अर्नब की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब अक्षों के समीक्षक अनुष्का सर्वदर्शन की स्थित प्रशंसक और इस शोली पर फिल्म बनाने के लिए बताओ ने प्रशंसक जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है। उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड में बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन के आशीष करने के जिसके उसे अपने ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढोल निकलता है व्यक्ति के कारण दिया जाता है। मत्ती के भाई उसे जाने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने की बात सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और
जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में हिलाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीति प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीत बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक शान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर यह सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवायी के देल में समित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की प्राप्त करते हैं, लेकिन ग्रामीण को उसके आविष्कार को कुखिद्धि का एहसास होने पर उसका अपमान करता है। अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब वो बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वर्य के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशत का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है। घर के निगरानी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता है, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाफ करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसको उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं, देखता है और लेकर वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फोन सिखाते हैं, उसे रोशनी खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता, उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदर की एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बजियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते हैं। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने आयुष को जहर दे दिया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमी मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिणामस्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें गौरव मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें मेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी जांच के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आशूस मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है। वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफड़िया में सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है। बुलाए विधवा को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी। जो राजमान अस्वस्थ हो जाती उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसलिए वो एक चर्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नफीरा पर हमला करते हैं जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जहाँ से मोहन वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती जब
मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन वे सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अद्भुत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। अमेज को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष उसके शरीर के नियंत्रण कर लेते हैं। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो जानते कि वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उसे कहती है उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है। वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगते हैं, जैसे उसके ठीक होने जाता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिदमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर के आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जल से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते हैं। उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है कि उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अरुण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्णव जोन पीड़ितों के और भागता है, जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्णव को इच्छा संतान अंत में अर्णव कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया गया। फिल्म को मोशन पोस्टर जीने फ्रीचार्ज के रूप में भूमिका कहा गया, जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंदी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर ट्रेलर के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली उसका डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू होगी। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्लों के इस्लिम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अर्णव की फिल्म के पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। आंकड़ों के समीक्षक अनुष्ठा सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शोली पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं ने प्रशंसक जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं, कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए उस सबसे साथ विकल्प है। उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है, जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्र के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन के आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की मम्मी उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके
पतलून खून लग जाती है, उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है, भतीजे के भाई उसे जाने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जान दीजिए बात ही सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है, वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है, उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में हिलाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीति प्रभाव पड़ता है, इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीतो बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बी ए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक शान पैड की तरह है, लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर इतना सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और क्षमता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवाई के जेल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्ष का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्धि का एहसास होने पर उसका अपमान करता है, अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जब बॉम्बे में थे एक धनी व्यक्ति के वॉरियर का आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है, तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है, हवेली के और अपने सपेर के और जाता है। घर के निफकारी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीजें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए, उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाव करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं, देखता है और लेकर वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सिखाते हैं, उसे ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता, उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदरित की। एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बरियो ने मोदीजी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान होते हैं अवस्था के, वो उसे नौकरी के निकाल देते। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने बाविश को जहर दे किया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटनाओं शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूब के गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं, तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है। वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफड़िया रूस में सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवास को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की थी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई।
और उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी जो राजमान अस्तित्व में हो जाती। उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसलिए वो एक जन्म के कहने का फैसला करते हैं। अयोध्या नपीरा पर हमला करते हैं जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहन वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अद्भुत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। उमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण लेते हैं। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो चंदी के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं। फिर उसे खुद को मार डाला, उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है। वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है जैसे उसके ठीक होने आता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही बहु अपने अभिमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर के आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जहर से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते, उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है कि उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले सर को मार देते हैं। वो प्याली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसिंह को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अरण प्याली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संचार अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बिताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपनी ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है। वो बिस्तर में बंधी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली अनुष्का को डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लाम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। यूरोप की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आंकड़ों के समीक्षक अनुष्का सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शैली पर फिल्म बनाने के लिए बताओ ने प्रशंसक जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं और कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए उस सबसे सात विकल्प है। उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड में बेहतर स्थायी गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में
उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके पतलून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढोल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है भत्री के भाई उसे चाहने के। लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने की बात सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में हिलाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीत प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीत बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक आसान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर इतना सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवाई के देल में समित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की प्राप्त करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्दी का एहसास होने पर उसका अपमान करता है। अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वर्या के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशत का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है। घर के निफकानी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाफ करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसको उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लीकेज वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सुधारते हैं उसे रोशनी खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदर की एक दिन उसके हरकतों का पता चल होकर वीडियो श्री बजियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान हैं अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते हैं। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने भाविश को जहर दे दिया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें गौरव मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूस मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफड़िया उसमें सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवा को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी। जो राजमान अस्तित्व में हो जाती उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नफीरा पर हमला करते हैं, जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहनी वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अंत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। अमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है, वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण कर लेते हैं। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो जनती के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उसे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है, वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है। जैसे उसके ठीक होने जाता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिदमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर के आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जल से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते हैं। उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है कि उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपनी प्रतीक के अरुण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्णव जोजन पीड़ितों के और भागता है, जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्णव को इच्छा संचार अंत में अर्णव कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपनी ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया, जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर ट्रेलर के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज़ सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली अनुष्का का डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काला जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्लों के इस्लिम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अर्णव की फिल्म के पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अक्षयों के समीक्षक अनुष्ठान सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शोली पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं ने प्रशंसा की, जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं, कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
है। उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थायी पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्र के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है मृत्यु के भाई उसे जाने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान बात करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में हिलाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीति प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीतो बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बी ए छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक शान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर इतना सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवाई के जेल में विमित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्ष का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्धि का एहसास होने पर उसका अपमान करता है, अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वॉरियर के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है घर के निफकारी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाव करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लेकर जब वो पास जाता है उसे महिला फीचर फोन सुधारते हैं उसे ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदरित की। एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बरियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान है अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने भाविश को अजहर दे किया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटनाओं शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूस के मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफुड़िया उसमें सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवास को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी। जो राजमान अस्तित्व में हो जाती उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए वो एक जन्म के कहने का फैसला करते हैं। अयोध्या नफीरा पर हमला करते हैं, जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है, और उसे उस साथ में कुमार में जीत जान से मोहनी वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अंत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। उमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है, वसुधा आत्मा आयुष उसके शरीर के नियंत्रण लेते। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के बस कि वो जनती के वो जाने की सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है, वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है, जैसे उसके ठीक होने आता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अमितमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जहर से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते, उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले सर को मार देते हैं। वो प्याली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसिंह को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अरुण प्याली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है, जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संचार अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चों को बताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया गया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया, जो 9 जनवरी 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र के चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। परी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज को दिखाने घूमती है, मुस्कुराता है और असली अनुष्का को डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू होगी। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के मुस्लिम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अर्नब की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आंकड़ों के समीक्षक अनुष्का सर्वदर्शन की स्थित प्रशंसक और इस शोली पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं ने प्रशंसा की, जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं, कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
है। उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थायी पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने की जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की मम्मी उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है भत्री के भाई उसे चाहने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद ही सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में लाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीत प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीतों बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक आसान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो गायत्री को ये देखकर इतना सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दूरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवायु के देल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को प्रसिद्धि का एहसास होने पर उसका अपमान करता है। अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वर्या के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशत का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है हवेली के और अपने सफेद के और जाता है। घर के निगरानी के अफेयर चेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग होदाएँ उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाफ करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसको उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लीकेज वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सिखाते हैं उसे रोशनी खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली नाव क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए खमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदर की एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बजियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान हैं अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते हैं। उसे रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने भाविश को दे किया और उसे एक जगह ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें गौरव मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें मेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूस मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जी 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफरिया रूस में सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवा को अक्तिखत्ता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की भाजपान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी जो राजमान अस्तित्व में हो जाती। उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नफीरा पर हमला करते हैं जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहनी वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन वे सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अद्भुत असंत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। अमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण लेते। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो चंदी के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताता है कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उसे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत फैलता है। वो उसे अपने बलिदान के बलिदान के मांगते हैं जैसे उसके ठीक होने जाता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिदमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर के आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जल से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते हैं। उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अरुण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संचार अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बिताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 2013 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया। फिल्म को मोशन पोस्टर जीने फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर चैनल के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली उनका डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मूल्यों के इस्लाम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अरब की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। आंकड़ों के समीक्षक अनुष्ठा सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शोली पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं ने प्रशंसक है, जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं। कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैड बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्र के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की मम्मी उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिणाम स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है, व्यक्ति के कारण दिया जाता है। मत्री के भाई उसे चाहने की लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद ही सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों को सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में लाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीति प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीतो बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक शान पैड की तरह है, लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर यह सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवाई के जेल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिदी का एहसास होने पर उसका अपमान करता है, अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब वो बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वर्डिया के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है। घर के निफकारी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता है, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला करा जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग होता है उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाव करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं, देखता है और लीकेज वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सिखाते हैं, उसे रोशनी खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली नाव में क्या होता, उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदरित की। एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बजियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधानते हैं अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने भाविश को जहर दे दिया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिणाम स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें मेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटनाओं शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूस के मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफुड़िया उसमें सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवास को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी। जो राजमान अस्तित्व में हो जाती उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नफीरा पर हमला करते हैं, जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है, और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहन वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा से भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अंत संत में शरीर थूकता है, पुनः प्रवेश करता है। उमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष उसके शरीर के नियंत्रण लेते। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के बस कि वो जनती के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं। फिर उसे खुद को मार डाला, उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है। वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है, जैसे उसके ठीक होने आता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिनयों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जहर से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते, उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है कि उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले सर को मार देते हैं। वो प्याली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपनी प्रतीक के अरण प्याली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है, जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संतान अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बिताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया, जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र के चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली उसका डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लिम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अर्नब की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आंकड़ों के समीक्षक अनुष्ठा सर्वदर्शन के प्रशंसक और इस शैली पर फिल्म बनाने के लिए बताओ ने प्रशंसक है, जबकि किसी अशुद्ध सराहना करते हैं, कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
है। उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थायी पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र को उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन के आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है मत्री के भाई उसे चाहने की लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में हिलाली समस्याओं में वीडियो लिखता है। उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीत बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक आसान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर यह सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवाई के जेल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्धि का एहसास होने पर उसका अपमान करता है, अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वरिया का आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है। घर के निफकानी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाव करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लेकर वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सिखाते हैं उसे रोशनी खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंतरिक्त की एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बजियो ने मोदी को लगा था कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान हैं अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने भाविश को दे किया और उसे एक जगह ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें गौरव मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूस के मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफड़िया रूस में सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवा को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की भाजपान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी जो राजमान अस्तित्व में हो जाती। उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नपीरा पर हमला करते हैं जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहां उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसी अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहनी वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अद्दत असंत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। अमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण लेते। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो जनती के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है। वो उसे अपने बलिदान के बलिदान के मांगती है, जैसे उसके ठीक होने जाता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही बहु अपने अभिमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है और प्रोफेसर के आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जल से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते हैं। उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपनी प्रतीक के अरुण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संचार अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बिताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया। फिल्म को मोशन पोस्टर जीने फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर ट्रेलर के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली उनका डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लाम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अनुप की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अक्षों के समीक्षक अनुष्ठा सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शोली पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं ने प्रशंसक जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए उस सबसे साथ विकल्प है।
उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्र के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है भक्ति के भाई उसे जाने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में हिलाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीति प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीतो बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक शान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर इतना सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवासी के जेल में आमंत्रित करता है। लक्ष्मी का आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्दी का एहसास होने पर उसका अपमान करता है, अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वॉरियर के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है। घर के निफकानी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता है, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला करा जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग होता है उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाव करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लेकर जब वो पास जाता है उसे महिला फीचर फिल्म सिखाते हैं उसे खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदरित की। एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बरियो ने मोदीजी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान है अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने बाविश को जहर दे दिया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोड़ एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूब के मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तकरीर के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफड़िया में सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के का तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवा को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी। जो राजमान अस्पताल में हो जाती उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए वो एक चर्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नपीरा पर हमला करते हैं, जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है, और उसे उस साथ में कुमार में जीत जान से मोहन वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा से भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अंत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। उमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है, वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण कर लेते। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के बस कि वो जनती के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है, वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है, जैसे उसके ठीक होने आता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिनयों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जहर से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते, उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है कि उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले सर को मार देते हैं। वो प्याली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपनी प्रतीक के अरण प्याली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है, जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संतान अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बिताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया गया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया, जो 14 जनवरी 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र के चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, में एक आवाज़ हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंदी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज़ सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती है, मुस्कुराता है और असली उसका कर डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू होगी। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लिम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अर्नब की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आंकड़ों के समीक्षक अनुष्ठा सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शोली पर फिल्म बनाने के लिए बताओ ने प्रशंसा की, जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं, कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी पसंद गायत्री इसका उपयोग करता है लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन के आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली की उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है भत्ती के भाई उसे जाने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जान दी बात ही सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान बात करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में हिलाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीत प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीत बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड़ बनाने का प्रबंध करता है लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक आसान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर इतना सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरोह के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवायु के देल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्धि का एहसास होने पर उसका अपमान करता है। अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वर्या का आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशत का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सफेर के और जाता है। घर के निफकानी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता है तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाफ करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसको उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लीकेज वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सुधारते हैं उसे रोशनी खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली नाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदर की एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बाजियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधानते हैं अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते हैं। उसे रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने आयुष को जहर दे दिया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमी मिल जा सके लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें गौरव मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें मेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोड़ एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूस मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफुड़िया उसमें सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवा को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की थी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की भाजपान को तब से परेशान कर रही थी। उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी जो राजमान अस्तित्व में हो जाती। उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नफीरा पर हमला करते हैं जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहां उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहनी वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफीरा से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा सब भटक जाती है, लेकिन वे सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अद्दत असंत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। अमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण लेते। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो चंदी के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणपंत स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उसे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है, वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है। जैसे उसके ठीक होने आता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर के आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जल से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते हैं। उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अरुण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्णव पीड़ितों के और भागता है जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्णव को इच्छा संचार अंत में अर्णव कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चों को बताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया। फिल्म को मोशन पोस्टर जीने फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया, जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र के चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है, प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर चैनल के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली अनुष्का के डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मूल्यों के इस्लाम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अनुप की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आंकड़ों के समीक्षक अनुष्ठा सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शैली पर फिल्म बनाने के लिए निर्माता वाले प्रशंसक जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्रे की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेर निकलता है व्यक्ति के कारण दिया जाता है। भत्री के भाई उसे जाने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान बात करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों को सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में हिलाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीति प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीतो बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंध करता है लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकेत में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहते हैं कि वो एक शान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर यह सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरो के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवायु के देल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्दी का एहसास होने पर उसका अपमान करता है। अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वर्डिया के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है। घर के नफरानी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाव करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लीकेज वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सिखाते हैं उसे खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदरित की। एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बॉडियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान है अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने बारिश को जहर दे दिया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें गौरव मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें मेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूब के मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफड़िया में सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवा को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी। उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी, जो राजमान अस्तित्व में हो जाती उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए वो एक जन्म के कहने का फैसला करते हैं, अयोध्या नपीरा पर हमला करते हैं, जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती है, और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहन वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अद्दत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। उमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है, वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण कर लेते। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो जनती के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है। वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है, जैसे उसके ठीक होने जाता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिदमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जहर से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते, उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है कि उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अर्ण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है, जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संचार अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चों को बिताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया गया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया, जो 14 जनवरी 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र के चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज़ हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज़ सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती है, मुस्कुराता है और असली अनुष्का का डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लाम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अर्नब की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आंकड़ों के समीक्षक अनुष्का सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शैली पर फिल्म बनाने के लिए बताओ ने प्रशंसा की, जबकि किसी अशुद्ध सराहना करते हैं, कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन के आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की मम्मी उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है मत्ती के भाई उसे चाहने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों को सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में लाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रेरित प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीत बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड़ बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक आसान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर इतना सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दूरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवाई के जेल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्धि का एहसास होने पर उसका अपमान करता है। अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब वो बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वॉरियर का आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सफेद के और जाता है। घर के निफकानी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाफ करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसको उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लेकर वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फोन सिखाते हैं उसे ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली नाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंतर्गत की एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बॉडियो ने मोतीजी को लगा था कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान है अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने बाविश को दे किया और उसे एक जगह ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें गौरव मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूस मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफुड़िया उसमें सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवास को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की थी। इसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की भाजपान को तब से परेशान कर रही थी। उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी जो राजमान अस्तित्व में हो जाती। उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नपीरा पर हमला करते हैं जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहां उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहनी वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा से भटक जाती है, लेकिन वे सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अंत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। अमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण लेते वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो जानते कि वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है, वो उसे अपने बलिदान के बलिदान के मांगती है। जैसे उसके ठीक होने आता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिदमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर के आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जल से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते हैं। उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अरुण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संचार अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 2013 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया। फिल्म को मोशन पोस्टर जीने फ्रीचेंज के रूप में भूमि कहा गया, जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र के चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर ट्रेलर के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली अनुष्का का डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लाम विरोधी मानवताओं का बढ़ावा देते हैं। अनूप की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब अक्षों के समीक्षक अनुष्ठा सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शोली पर फिल्म बनाने के लिए बताओ प्रशंसक है, जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए उस सबसे 7 विकल्प है।
उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है मत्ती के भाई उसे जाने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों को सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में लाली समस्याओं वीडियो लिखता है उसका प्रीति प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीत बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पैड बनाने का प्रबंध करता है लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकेत में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिकीर्ण की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक शान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर कर सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दुरो के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवाई के देल में विमित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्षों का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्दी का एहसास होने पर उसका अपमान करता है। अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वॉरियर के आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है घर के निफकारी के अफेयर टेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाव करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लीकेज वो पास जाता है उसे महिला फीचर फिल्म सिखाते हैं उसे खुद ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए कमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंदरित की एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बरियो ने मोदी जी को लगाता है कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान है अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते हैं। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने बाविश को जहर दे दिया और उसे एक जहर ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमे मिल जा सके लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूब के गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जीत 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफुड़िया उसमें सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवा को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की राजमान को तब से परेशान कर रही थी कि उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी। जो राजमान अस्तित्व में हो जाती उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नफीरा पर हमला करते हैं, जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहाँ उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है, और उसे उस साथ में कोमा में जीत जान से मोहन वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अंत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है। अमेश को आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, इसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है, वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण कर लेते। वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो जनती के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उससे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है, वो उसे अपने बलिदान के बलिदान मांगती है, जैसे उसके ठीक होने जाता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है। प्रोफेसर के आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जहर से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते, उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है कि उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवत करने के लिए अपने प्रतीक के अरुण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है, जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संतान अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चे को बताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपनी ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया गया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचार्ज के रूप में भूमि कहा गया, जो 14 जनवरी 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र के चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, में एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंदी हुई है। बड़ी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली अनुष्का को डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू होगी। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लाम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। अर्नब की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब अक्षों के समीक्षक अनुष्ठा सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शैली पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं ने प्रशंसा की, जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं, कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है मत्री के भाई उसे चाहने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में लाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीत प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीत बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड़ बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिक्रिया की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक आसान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर यह सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दूरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और समता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवाई के जेल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी के आविष्कार को वर्ष का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्धि का एहसास होने पर उसका अपमान करता है, अपनी कलाई काट ली है। फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब वो बॉम्बे में थे। एक धनी व्यक्ति के वॉरियर का आयुष के अविश्वसनीय प्रतिशा का पता चलता है तो वो उसे वर्क के अपनी हवेली वीडियो मनोर की देखभाल करने के लिए कहता है। उसके बदले में वो आयुष के रक्षित पक्षों के भुगतान करेगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। हवेली के और अपने सपेर के और जाता है। घर के निपरानी के अफेयर चेकर के दोनों के आयुष का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्क कॉलेज में न्यूयॉर्क मुझे के प्रवेश कराकर आयुष काफ़ी खुश होता है। 3 महीने बाद आयुष कुछ सामाजिक काम कर रहा होता है, तभी उस पर असाधारण गतिविधियों का हमला कर जाता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। रोशनियों के टिमटिमाने लगती है। आयुष दिखता है कि एक सफ़ेद रोशनी उसे कबीर आने का इशारा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक महिला के चीज़ें से रुक जाता है। उसे एक कमरे के सूखे खून से लिए एक संदेश मिलता है जो उसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसे ही दोनों जांच करते हैं उन्हें एहसास होता है कि पिछले 3 महीने के घटनाओं के बारे में उन दोनों के जो रहस्य अलग अलग हो जाए उसके परिवार अधिक होंगे और उन दोनों के वर्तमान भूत प्रेतों के साथ जितना कफलाफ करता है उसके लिए वो उसके अधिक रहना संबंध हो सकता है। उसको उसे बताता है कि वो मशीन के आवाज़ सुन रहते हैं देखता है और लेकर वो पास जाता है। उसे महिला फीचर फिल्म सुधारते हैं उसे ले सकती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली चुनाव में क्या होता उन्हें कुछ पैसे के लिए खमीनों की हवेली प्रसाद करने के लिए अपने संगीत सुनने के अंतर्गत की एक दिन उसके हरकतों का पता चल कर वीडियो श्री बजियो ने मोदी को लगा था कि उसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है। वो प्रधान होते हैं अवस्था के वो उसे नौकरी के निकाल देते हैं। उस रात वो प्रदर्शन के दौरान उसने भाविश को दे किया और उसे एक जगह ऊपर फेंकने की कोशिश की ताकि वो धीमी मिल जा सके, लेकिन आयुष ने उसे मारकर व्यवस्था कर दिया। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते के एक अलौकिक प्राण देखा है और वो नियंत्रित खो दिया। उसके परिमाण स्वरूप एक कार दुर्घटना हुई जिसमें गौरव मृत्यु हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसी भी उन्हें होमेहर को मौत के बारे में नहीं बताया। बाद में वो असाधारण घटना शुरू हो जाती है जिससे आयुष को कहानी के वीडियो कभी नहीं हुआ। अपनी चार्ज के दौरान आयुष के बाद जोर एक अस्पताल पहुँचते जहाँ उसे पता चलता है कि मोहर वीडियो आसूफ मिलने गई थी। वो वास्तव में उनका प्रॉपर्टी टीना थी और जी 3 महीने पहले चुकी थी। जब वो अपनी माँ की तारीख के देखते हैं जज्बा करते हैं तो आयुष के सामने कबूल करते हैं कि आयुष के साथ सारी पूरी चीज़ें उसकी बहन सी हो रही होती है।
वो बताते हैं कि कैसे उसकी और नफुड़िया उसमें सिराज नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपने पति के तलाक के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उनके खुशी से अपने दोस्ती को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने अपनी पत्नी उसे जहर कर चली गई थी। लेकिन जोर की रिचर्ड की पत्नी की आत्मा के दौरा किया जाता है, बुलाए विधवास को हकीकता के लिए उनके अपनी जानकारी रिचर्ड की दी। उसके पता चलता है कि चूल्हा अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसके आत्मा दिनों के दौरान शरीर आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती की भाजपान को तब से परेशान कर रही थी। उसे पता चलता है कि उसने प्यार करी थी जो राजमान अस्तित्व में हो जाती। उन्हें अयोध्या को आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इसलिए वो एक जन्म के खाने का फैसला करते हैं। अयोध्या नपीरा पर हमला करते हैं जो उसे अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करता है, और जहां उसे एक और भयानक पता चलता है कि उसे पता चलता है कि आयुष उसे अस्पताल में भर्ती है और उसे उस रात में कोमा में जीत जान से मोहनी वीडियो से उस पर हमला किया जाता था। जो नफिया से बताते हैं कि वो हमेशा से आयुष की आत्मा के बात करती थी। बात बताती है जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा सब भटक जाती है, लेकिन बेन सफेद रहने की शुरू में उसके माध्यम से जोड़े के लिए अंत संत में शरीर झुकता है, पुनः प्रवेश करता है और मैं उसको आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा ऐसा होने के लिए रोकता है। अगले दिन आयुष ने शरीर को लाइव पोस्टर के हटाया जाने के वाला था, जिसके उसके मौत हो गई थी। जो रोज आयुष को आत्मा को छूने के लिए उसका नाम बाल देती थी, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल छोड़ने वाली होती है वसुधा आत्मा आयुष के शरीर के नियंत्रण लेते वो रोज को धमकी देती है और अगर वो चली गई तो आयुष के शरीर को नष्ट कर देंगे। वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज की प्रताड़ित करते हैं। रोज के कि वो जनती के वो जाने के सक्षम नहीं होते हैं, फिर उसे खुद को मार डाला। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताते हैं कि उसके पहली ही नफरतों के माध्यम से आयुष को बालक एक पात्र आयुष को भेज दिया है। गुलाब लड़ता है और वसुधा आत्मा को नष्ट कर देता है। उसी समय वो आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिल्म की लौट जाती है जहां उसे शुरू होता है। आयुष मरणमापन्न स्थिति में जोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। जिस उसे कहती है कि उसे उसके लिए जीना और अपना संगीत खेलता है, वो उसे अपने बलिदान के बलिदान के मांगते जैसे उसके ठीक होने आता है और प्रसिद्ध बेरोजगारी और संगीतकार बन जाते हैं। उसे प्रवेश के बारे में जैसे ही वह अपने अभिमियों के साथ आता है, खुराना अर्नब को बताते हैं कि वो गर्भवती है और बसर आदमी उसे बात देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपने जहर से मर जाए। हालांकि वो अर्नब के लिए रोते हैं, लेकिन वो अदवाश होकर चला जाता है। 3 सप्ताह के बाद पियाली अपने माता पिता के घर अर्नब से मिलते जाते हैं। वो उसे रुखसाना के बारे में सच्चाई बताते हैं। उसके साथ उसके बातचीत के उसे एहसास होता है उसे उसके मारने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार बीते जाने के बाद रुखसाना छूट जाती है और पियाली के पास जाने से पहले प्रोफेसर को मार देते हैं। वो पियाली को घायल देखते हैं और लेकिन प्रयास पीड़ा शुरू हो जाती है। नक नरसी को गर्भवती करने के लिए अपने प्रतीक के अरुण पियाली को उसे मारने के समर्थन करते हैं और वो छोड़कर गायब हो जाते हैं। अर्नब पीड़ितों के और भागता है जहां वो उसे मरणोपरांत अवस्था में पाता है। वो पिता और उसे गले वो उसे काटने और अपने जहर छोड़ने की इच्छा के विरोध करते हैं। इससे वजह अपने अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं। मरने से पहले वो अर्नब को इच्छा संचार अंत में अर्नब कहते हैं कि वर्टिन के नफरत बजाय रुखसाना के प्यार में बच्चों को बताया जाता है। बड़ी के पहला लुक 13 जून 2017 को शर्मा ने अपने ट्वीट के हमले के माध्यम से जारी किया। फिल्म को मोशन पोस्टर जिन्हें फ्रीचाइज के रूप में भूमि कहा गया, जो 14 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसमें शरण के चरित्र चेहरे पर चोट लगी हुई दिखाई देते। 3 सेकंड के एक क्लिप के 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया, जिसमें शर्मा को एक सुखद मुस्कान के साथ टेलीविजन पर एक कार्टून दिखते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक आवाज हुआ कि वो सुरक्षित और ठीक है। हालांकि कैमरा दिखाया है कि उनके साथ है प्यार खुशी है, वो बिस्तर में बंधी हुई है। परी का आधिकारिक टीजर 7 फरवरी 2018 को शर्मा ने अपने ट्विटर के माध्यम से जारी किया। टेलीविजन पर रिलीज हुई तीसरी फिल्म की शुरुआत अनुष्का ने परमव्रत के किरदारों के टेलीविजन दिखते से होती है। अनुष्का कहती है कि वो परेशान हो जाती है और वो एक भयानक महिला की आवाज सुनती है और वो तैयार करती है, तैयार कमरे के सूखती है और उस वक्त पंकज के दिखाने घूमती मुस्कुराता है और असली उनका डरा हुई देखते हैं। 15 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक तकनीशियन की तकतान लगाते गीत को फिल्म का शूटिंग तुरंत ही रोक देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिल्म फिर से शुरू हो गई। काले जादू कुछ गैंग इस्लामी मुल्कों के इस्लाम विरोधी मानवता को बढ़ावा देते हैं। यूरोप की फिल्म की पाकिस्तान प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आंकड़ों के समीक्षा अनुष्ठा सर्वदर्शन की निश्चित प्रशंसक और इस शैली पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं ने प्रशंसा की, जब किसी अशुद्ध सराहना करते हैं, कहते हैं कि रक्तस्राव को रोकने के लिए वो उस सबसे साथ विकल्प है।
उत्साहित होकर लक्ष्मी कुश वापस करता है और खरीदने के लिए एक अस्थाई पैड बनाता है जो उसके लिए वो उसके मुंडी पैड को बेहतर स्थायी प्रसाद गायत्री इसका उपयोग करता है, लेकिन पैड अपना कार्य विफल करता है। वो लक्ष्मी से महिला के मामले में उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी फिर से एक पैर बनाने की कोशिश करता है और उसे महिला मेडिकल छात्रे के रूप में उसके मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। उसके परेशान और भी बढ़ जाते हैं और जो छात्र की उसकी मुलाकात उसकी पत्नी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी भी अफेयर चल रहा है। लक्ष्मी अपनी बहन को बेडमैन की आशीष करने के जिसके उसे अपनी ससुराल वाले की फैमिली उठाती है। उसके बाद वो बकरी खुद को भेड़ा को गुजरा अपने ऊपर लगाने की कोशिश करता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से उसके लून खून लग जाती है। उसके परिमाण स्वरूप उसे अपमानित होने पड़ता है और इसे तो कारण पूरे गांव में उसे ढेल निकलता है। व्यक्ति के कारण दिया जाता है मृत्यु के भाई उसे चाहने के लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी भर्जनाओं से लड़ने के लिए वो उसके लिए छोड़ने फैसला करते हैं। यह जानने के बाद सैनिटरी पैड कपास के बजाय अधिक शोषक सेलुलोज टाइप का उपयोग करता है। लक्ष्मी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने जाने वाली सामग्री के बारे में जान पास करने के लिए एक कॉलेज जाती है। पैसे आश्रय में जरूरत है। वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के रूप में काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट में परिचय करता है और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी को हरकतों के सूचित कर जाता है। उसके विचारों के पटरी से उतारने के लिए उसे लाखों रुपए के पैड बनाने में लाली समस्याओं वीडियो लिखता है। उसका प्रीति प्रभाव पड़ता है। इसे लक्ष्मी के अपनी प्रीत बनने के लिए मशीन बनाने की प्रेरणा मिलते हैं। वो उधार लेते हैं और एक अच्छा पेड बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन उसका परीक्षण करने वाली कोई नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधक उद्यान संकित में बीए के छात्र बड़ी वालिया से मिलता है और उसे एक पैड प्रदान करता है। जब वो प्रतिक्रिया की मांग है तो वो एक कहती है कि वो एक शान पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो गायत्री को ये देखकर कर सबूतों की जाता है और वो उसका भाई उसे दूरों के लिए चेतावनी देता है। वो लक्ष्मी और क्षमता को देखता है और उसे दिल्ली में एक देवोनिवायी के देल में विमंत्रित करता है। लक्ष्मी का आवश्यक को वर्ष का जीवन बदलाने वाला नवाचार के रूप में पहचाना जाता है और वो प्रसिद्धि की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उसके आविष्कार को कुखिद्दी का एहसास होने पर उसका अपमान करता है।